एक तो ये जानना चाहते हैं, आजकल तीन तलाक का मुद्दा गरमाया हुआ है, आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही, मेरा ओपिनियन वही है, मैं उसका रुकन हूँ, मेंबर, मेरा ओपिनियन वही है। दूसरा मामला ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आजकल बड़ा तनाव चल रहा है, इस पर तमाम पार्टियां जो है अपने नाइत्तेफाकी भी दिखा रही हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्हीं का जो हमला हुआ है जिसमें हमारे 19 सिपाही मारे गए, वो जो आतंकवादी कहाँ से है, वो पाकिस्तान से है, और फिर उरी के बाद भी कई हमारे CRPF या आर्मी बेसिस पर हमला हुआ, वो भी कहाँ से है, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, पाकिस्तान को चाहिए कि उसका पहले खात्मा करे, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, या फिर हरकतुल मुजाहिदीन, जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। और 26/11 का जो हमारा ट्रायल चल रहा है, ख़त्म ही नहीं होता, तो यकीनन पाकिस्तान को उनके मुल्क में जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करने की जरूरत है। भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है, भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है इस सबके पीछे, इस पर देखिए, भारत सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है अलग बात, मगर इस मुल्क में अमन रहे, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो, इस मुल्क में जान माल किसी का खराब ना हो, ये काम सरकार को करना चाहिए, जरूरी। एक चीज़ और, आप यहाँ तीसरी बार प्रयास किए जनसभा करने के लिए, उसकी भी अनुमति रद्द कर दी गई, क्या कहेंगे, क्यों यहाँ प्रदेश सरकार जो है ये नहीं चाहती? डर रहे हैं, चाचा भी डर रहे हैं, भतीजे भी डर रहे हैं, पापा भी डर रहे हैं, तो ये ड्रामा नाटक कंपनी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में यहाँ पर टांडा तहसील में, अम्बेडकर नगर में BJP, RSS, बजरंग दल, समाजवादी, कांग्रेस, BSP सब आ सकते हैं, सबको इजाजत है। अगर किसी को डर हो रहा है तो OEC से, मजलिस पार्टी से डर हो रहा है, ये क्या बात है? तो हमारी डेमोक्रेसी जमहूरियत लिए ठीक नहीं है, और जो ऑफिशियल्स हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट के दबाव में मत आइए, आप ग्राउंड सिचुएशन को देख कर एक फैसला लीजिए। अगर वो हुकूमत के दबाव में आकर फैसला ले तो मैं तो जहाँ जहाँ मुझे रोक रहे हैं मैं उनका लेटर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भिजा रहा हूँ कि भाई सबको परमिशन दिया जा रहा है, और उसमें हम लिख रहे हैं कि किस डेट्स को इस पार्टी का परमिशन हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन का, और हमको